तो यहाँ पर लकड़ियाँ काटते हुए हमारे साथ बहुत बड़ा सीन हो गया है। जो हमारे बिल्लू भाई थे वो थोड़ा सा गिर गए हैं और उनको अभी लगी है, और बिशु भाई ने जो है उनको अपनी बैक पे जो है उठाया है। गुड मॉर्निंग, और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुंदरानी धार से, जहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है बर्फ़ भी जो है गिरी हुई है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं लकड़ियाँ वगैरह काटने के लिए, और आपको आसपास का एरिया भी जो है एक्सप्लोर कराएँगे, और उसके बाद जब हम वापस आएँगे तो आपको दिखाएँगे कि हम कहाँ पर रुके हुए थे और वहाँ पर रुकने का इंतज़ाम कैसा था। अभी हम तीन जने जो है लकड़ियाँ काटने के लिए जा रहे हैं। मेरे साथ है बिल्लू भाई और बिशु भाई। बिल्लू भाई कहाँ गया भाई? ये है अपना बिल्लू भाई और ये है अपना बिशु भाई। तो और भाई पीछे का व्यू चेक करो यार एक बार। काम है यार व्यू तो भाई बहुत ही औसम है। इसके बाद मैं आपको एक्सप्लोर कराऊंगा। अभी हम लकड़ियाँ लेने जा रहे हैं, तो अभी मैं आपको जो है आसपास का एरिया दिखा देता हूँ। चलो तो गाइस यार ये है सुंदरानी धार। आप देख सकते हो कि यहाँ पर बहुत सारे कोठे जो है बने हुए हैं, जिसमें से एक कोठे में हम लोग भी जो है रह रहे थे। ये कोठे जो है यहाँ के स्थानीय गुज्जर लोग बनाते हैं, क्योंकि वो गर्मियों में जो है अक्सर अपने जानवरों को लेकर यहाँ धार में आते हैं और तीन चार महीने जो है यहाँ पर रुकते हैं। तो उनको हमारी तरफ से स्पेशल थैंक्स, क्योंकि उनकी वजह से आज जो है हमें रहने के लिए जो है कोठा मिल गया, जो कि बहुत ही अच्छा था। तो ये है अपनी सुंदरानी धार। तो गाइस यार यहाँ पर किसी जानवर के जो है पैरों के निशान भी जो है बने हुए हैं, जो कि फ्रेश ही लग रहे हैं, देख सकते हो आप यहाँ पर। और यहाँ सामने जा रहे हैं बिल्लू और बिशु, जो कि अभी फ़ोटो वगैरह लेने में व्यस्त हैं। ये लकड़ियाँ काटने के लिए हम लोग जो है थोड़ा ऊपर जाएंगे, जहाँ से आसपास का व्यू जो है बहुत ही औसम नज़र आने वाला है। तो चलो चलते हैं फिर। चलो भाई, चलो भाई, चल रहे हैं बिशु भाई, आजा भाई आजा। चलो चलो भाई, चलो भाई, कैसा लग रहा है बर्फ में आकर? भाई बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। क्या बात है, औसम जगह है, बिल्कुल औसम प्लेस। हाँ भाई, इस जगह का नाम सुंदरानी क्यों पड़ा है इसका भी एक रीजन है। पहले जो चंबा के राजा हुआ करते थे वो काफी बार जो है यहाँ पर शिकार करने के लिए आ चुके हैं, और उन लोगों ने ही जो है इस जगह को जो है सुंदरानी नाम दिया है, और आज हम इस जगह को जानते हैं सुंदरानी धार के नाम से। यहाँ पर बहुत सारे जानवरों के जो है पैरों के निशान भी जो है लगे हुए हैं, जो कि हमें बर्फ में बिल्कुल साफ नज़र आ रहे हैं। थोड़ा जो है जंगली जानवरों का भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इस बार जो है हमारे यहाँ जंगल में बहुत सारे भालू जो हैं वो बढ़ गए हैं। तो गाइस यार हम लोग जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। आसपास आप देख ही सकते हो कितनी ज़्यादा बर्फ़ है, जिससे हमें बहुत ही मज़ा आ रहा है घूमने का। वैसे भी हम लोगों को जो है जो माउंटेन एरिया होते हैं वहाँ पर जाना बहुत अच्छा लगता है, और आप यहाँ पर बर्फ़ भी देख सकते हो, इसका एक एक कण अलग है। बिशु भाई दिखाना ज़रा, देख सकते हो आप यहाँ पर, ये देखिए गाइस इस बर्फ़ का भाई एक एक कण अलग है। ऐसा लगता है मानो यहाँ पर रेत बिछाई हुई है। जय भोले, जय शंकर महादेव।
तो गाइज अभी हम पहुंच चुके हैं एक ऐसी जगह पे जहां पर जो है 360 व्यू जो है बहुत ही अच्छे से आ रहा है। ये वाली साइड जो है ये है भरमौर वाली साइड, और इस साइड में पड़ते हैं लील वेल्स वगैरह। यहां पे आप देख सकते हो सामने आपको गांव भी जो है देखने को मिलेंगे, और ऊपर पहाड़ों पे तो भाई बर्फ ही बर्फ है। और ये सामने वाली जो आपको रेंज दिखाई दे रही है ये है चुरा चांजू वाली रेंज, और ये वो पहाड़ हैं जो मेरे घर से जो है थोड़े थोड़े दिखाई देते हैं, आज बिल्कुल हमारे सामने हैं। तो यहाँ पर ये दो लोग जो है बर्फ का पूरा आनंद ले रहे हैं। तो यहाँ पे अब हमारे अज्जू भाई आ रहे हैं ऊपर से। ओ भाई देखना भाई गिरना मत कहीं। ओ भाई हो रहा है यार, और यहाँ पे अज्जू भाई गिरते हुए। चलो मैं और बिशु यहाँ पर धूप सेक रहे हैं, और बिल्लू भाई ने जो है लकड़ियाँ काटना स्टार्ट कर दिया है। और यहाँ पर है हमारे बिल्लू भाई, देख सकते हो आप यहाँ पर, ये है बिल्लू भाई जो लकड़ियाँ काटने वाले हैं। भाई आराम से भाई लग जाएगी कहीं पे, कोई बात नहीं, आराम से ब्रो, कुल्हाड़ी टूट जाएगी। तो यहाँ पर लकड़ियाँ काटते हुए हमारे साथ बहुत बड़ा सीन हो गया है, जो हमारे बिल्लू भाई थे वो थोड़ा सा गिर गए हैं और उनको अभी लगी है, और बिशु भाई ने जो है उनको अपनी बैक पे जो है उठाया है। बिल्लू भाई कैसा लग रहा है अब? बहुत ही अच्छा लग रहा है, लकड़ियां काट रहे हैं। थोड़ा ठीक हो अभी भाई, थोड़ा ठीक हो भाई। बिशु भाई यार क्या कर रहे हो यार यहाँ पे? बिशु भाई ने और गिरा दिया है भाई। ऊंचा भाई, ऊंचा भाई प्लीज भाई यार, थोड़ा सा बचा भाई कोठे पर पहुँचने वाले। चल उठा ले यार, उठा ले भाई बिशु भाई, उठा ले। तो भाई यार जब भी ऐसे आप आते हो तो इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर बिल्लू भाई जो है थोड़ा सा गिर गए हैं, और उनको पैर में थोड़ी सी जो है चोट आ गई, और भाई यहाँ पे बर्फ में फिर से गिर गए हैं। ओ भाई क्या ही सीन हो रहा है यार। ओ भाई मैं अभी गिर गया। ओ भाई यार धीरे चलो यार। बिशु भाई यार क्या कर रहे हो आप भाई, आपने मेरे को भी गिरा दिया भाई, बहुत ज्यादा चोट लगी हुई है। बिल्लू भाई बिल्लू भाई शायद थोड़ा सा रिलैक्स फील कर रहे हैं, ये अभी मस्ती के मूड में लग रहे हैं। चल भाई अब चल के चल। तो गाइस आज रात जो है हम लोग इस कोठे में ठहरे हुए थे, तो दिखाते हैं आपको कोठा। तो यहाँ पर बिशु पहले से भी बैठा हुआ है, यहाँ पर हमने आग जलाई हुई थी, और यहाँ पर आप देख सकते हो साइड में यहाँ सोने के लिए हमने बनाया हुआ है। तो यहाँ पर हमारी आज की रात जो है बहुत ही अच्छे से गई है, आग के कारण जो है हमें बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं हुई। फाइनली गाइज आज हम लोग जो है यहाँ से निकलने वाले हैं, लेकिन हमारे कुछ दोस्त जो है आज भी यहाँ पर रहने वाले हैं। ठीक है भाई चलते हैं फिर। ठीक है भाई, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो गाइस यार अभी हम वापस पहुंच गए हैं लग्गा विलेज में,
तो आज की वीडियो को हम यहीं पे एंड करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर मेरे चैनल पे नए आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।